बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम सिटी अटेंड में। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत सारे लोग छुट्टी अच्छे तरीके से इन्जॉय कर रहे होंगे। अचानक छुट्टी की खुशी अपनी होती है और जिनको खुशी है वो इन्जॉय कर रहे हैं। हम दफ्तर में हैं लेकिन बहुत सारे प्राइवेट इदारे भी खुले हैं, मार्केटें भी खुली हैं। मैं अभी यही डिस्कस कर रही थी, वो जो बिल्कुल ज़ीरो ट्रैफिक वाला कॉन्सेप्ट मैं अपने जहन में लेकर निकली थी कि आज छुट्टी है ट्रैफिक नहीं होगी, इसके बरक्स था। मतलब आम तातील के बावजूद दुकानें जो हैं कुछ खुली भी थी और कुछ लोग भी अपने दफातर को जाए थे। तो हम इसको डिस्कस करेंगे लेकिन छुट्टी के दिन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जी, यौम तकबीर जो है वो मनाया जा रहा है आज और मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर जो है वो बनाया गया। आज का दिन बिला शुबा हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ये दिन जो है आज हमने दुश्मन को जवाब भी एक तरह से दिया और बता भी दिया कि जी अब हम किसी से कम नहीं हैं। सो आज के दिन को मेरे ख्याल से मनाना, अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे लेकिन साथ ही साथ पहले कभी इस दिन छुट्टी नहीं हुई, आज के दिन छुट्टी और फिर अचानक से ऐलान होना तकरीबन 7-7:30 बजे के करीब जाकर। सो इस पर डिस्कस करते हैं। ताजिर बिरादरी ने ये कहा है कि जिन्होंने मार्केटें खुली रखनी है, कुछ प्राइवेट दफातर भी खुले हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज आम तातील का ऐलान किया गया। हमारे सीनियर रिपोर्टर आमिर रज़ा खान साहब और वकास अहमद देखो इनके सामने। छुट्टी मुबारक कहूँ? बिल्कुल कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए। और छुट्टी है और मुबारक दिन है आज का, आज के दिन पाकिस्तान दिन मुबारक है, ये पाकिस्तान ने नहीं छुट्टी जिनको है उनको मुबारक देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए। आज बच्चे घर पे होंगे, आज जो पेपर से मुलतवी हो गए जो सरकारी मुलाजम हैं वो घरों पे हैं, जो वकला हैं हमारी बरादरी है वो घरों पे है। बस वो लोग जिन्होंने क़यामत के दिन भी काम करना है वो दफ्तरों में हैं या दुकानों पर हैं। ये दो ऐसे तबके हैं, एक प्राइवेट मुलाजम और दूसरा दुकानदार, ये क़यामत वाले दिन भी कारोबार कर रहे होंगे और अपना अपना काम कर रहे होंगे और कह रहे होंगे जी रुको ज़रा हमें कुछ गाहक शायद आ ही जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज दुकानदारों को भी जो है अपने मुलाजमीन को छुट्टी देनी चाहिए थी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन आपकी कमाई का दिन हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है आपके जो काम करने वाले आपके साथ हैं जब आएंगे। लेकिन पहले मुझे आज के दिन की अहमियत क्या है? अहमियत तो बहुत है, अहमियत तो इसलिए है कि मैं वो दिन नहीं भूलता हूँ जब भारत ने तकरीबन मुझे याद है कोई 19 या 20 मई का दिन था जिस दिन उसने 5 धमाके किए थे। और मैं इसी प्रोफेशन में था जर्नलिज्म के अंदर ही, आज से 26 साल पहले 98 की बात है। मैं ना उस रात सो नहीं पाया, एक भारत और धमाके कर दिए उसने और उसके बाद हम लोग एक खौफ था, खौफ इस तरह से था कि मुझे लगता था कि जैसे हिंदू हम पर चढ़ दौड़े, ना किसी की इज्जत, ना किसी का घर, ना किसी का बाहर महफूज नहीं रहेगा। हम लोग गैर महफूज समझते थे अपने आप को। और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक आमिर रज़ा का मसला नहीं था, ये सिर्फ एक लाहौर का, पंजाब का या पाकिस्तान का मसला नहीं था, ये आलम इस्लाम का मसला था। मुझे याद है कि ऐसे मनाजर हैं जो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो अपनी फैमिली के, अपने हरम के साथ, मैं फैमिली भी नहीं कहूँगा, अपने हरम की हवा तीन के साथ लाहौर तशरीफ लाए सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ डूट। और मैं इसकी जो रावी हैं मुबशरा बाजवा, वो हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्पोर्ट्स किया करता था, तो वो एज एन ए वहाँ पे आई मीडिया हेड। तो आज आपने वैसे जज्बाती कर दिया मेरा, मैं उस तरफ मैं अभी गई नहीं थी। आप उस तरफ जा नहीं सकते बच्चे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिन लोगों को वो फील थी ना उस वक्त जब भारत धमाके कर गया था, और उस जमाने में जिस तरह से अगर हम धमाके ना करते तो अटल बिहारी वाजपेयी कभी लाहौर में आकर ना कहता हम जंग नहीं होने देंगे। और आप अंदाज़ा करो उस वक्त क्योंकि ये प्राइवेट चैनल्स नहीं थे तो सिर्फ दूरदर्शन आया करता था लाहौर में, और यहाँ पर ये था। लेकिन हाँ एक चीज़ थी कि रेडियो पर हम BBC सुना करते थे और बाकी चीज़ें देखा करते थे।
जो इंडियन मुसलमान थे। मैं अब समझ सकती हूँ आज के दिन की अहमियत क्या है। वो सहम गए। मैं समझ सकती हूँ आज के दिन की अहमियत क्या है। मेरे ख्याल से अब अल्फाज की जरूरत नहीं है। आपके अंदाज ने बहुत अच्छा कर दिया है कि आज ये पाकिस्तान का धमाका नहीं था। और मेरे ख्याल से जो पहलू आप बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता कि आज का दिन जो लोग आज भी इस पर सियासत करते हैं, लानत है, लानत है, लानत है उन पर। वो आज भी लोग ट्वीट्स कर रहे होंगे, मीम्स बना रहे होंगे, भाई बताओ किसने किया था, उसने तो आज तक खाना नहीं खाया था, उसने तो ये नहीं किया था। आपके मुल्क की बका, आपके मुल्क की सालमियत। मैं आपको बताता हूँ, गवर्नर ऑफ लाहौर और उसकी रावी मुबशरा बाजवा, वो कहती है कि शहजादा अपनी सारे हरम के साथ आया, सारी औरतों के साथ। हरम से मुराद आप समझती हैं कि जितनी औरतें थी। और जब नवाज शरीफ गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ तो उसने उसको गले लगाया और रोने लग गया। तुम कर सकते हो, तुम कर दो, कोई नहीं कर सकता। इतना प्रेशर, इतना प्रेशर। आपने एक यहाँ खबर का डिसीजन करना है, एक खबर का, बहुत मुश्किल है। कैसा प्रेशर होता है और कैसा कैसा प्रेशर आता है आप पर, आपके इदारों से, आपके लोगों से, किसी रोसा से, किसी पुलिस वाले से, किसी बिजली वाले से, आप पर प्रेशर आता है और हम लोग वो प्रेशर बढ़ आप महसूस करते हैं। लेकिन जब आप एटमी धमाका करने जा रहे हो, सिर्फ दुनिया में सात मुल्क, सातवां पाकिस्तान, उसके बाद भी किसी को जरूरत नहीं है। आज 26 साल गुजर गए, करे कोई, जो लोग कहते हैं कि ये धमाका करना कोई काम नहीं था, उसको करें। बाकी मुल्कों के पास क्या शुमाली कोरिया के पास एटमी नहीं है? क्या ईरान के पास या बाकी ममालिक के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है? क्यों नहीं कर सके वो आज तक? आज का प्रोग्राम मेरा ख्याल है आप लोग नहीं, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि जो चीज़ें आपने रिलेट की हैं, मैं तो अपने माइंड में वो सोच के भी नहीं आई थी। जो आपने एक मंजरकशी बिल्कुल कर दिया, ये ज़रूरत थी, ये बहुत सारे लोगों को दिखाने की और बताने की ज़रूरत थी। क्योंकि वाकई बड़ा दिल दुखता है जब आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इस दिन को मीम्स की नज़र किया जा रहा है। वकास, यानी हम ये कह सकते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर। देखिए, जिनकी वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और डेफिनेटली उन्हीं की गवर्नमेंट में यह कुछ हुआ और उन्हीं को क्रेडिट जाता है, लेकिन इसमें ना कुछ और पहलू भी हैं। आपका एटॉमिक प्रोग्राम वो था जिस पर किसी ने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ख्वाब व जुल्फ़ार अली भुट्टो हो, ख्वाब व ज़िया हो, ख्वाब व नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो। आपका जब से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तब से लेकर जब तक आप, इवन अब तक, कोई भी आपके पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पोलिटिकल क्लैशेज भी बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन किन जिन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया उनमें से टॉप पे आपका ये प्रोग्राम है। और मेरा ख्याल है जिस तरह की यूनिटी हमने आप, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा सर्वाइवल या हमारा दिफा जो है ना, वो एक चीज़ से इतना काबिल तस्खीर हो सकता है, और वो आपकी एटॉमिक पावर था। क्योंकि आपके हमसाया जिस तरह की अप्रोच रखता है, और फिर एटॉमिक पावर था, हमारे हुजम में हमसे बड़ा आदमी ने बड़ा था, तो वो उसको डेटर करने के लिए, हालांकि हमने पहले दिन से यह कहा कि हमने सिर्फ अपने दिफा के लिए रखा है, हम कोई एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखते। लेकिन जो सबक इससे मुझे हासिल होता है वो ये है कि अगर हम सारे स्टेक होल्डर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इस चीज़ पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आप सारे समझते हैं कि इससे आगे सबकी तबाही है, तो फिर इस तरह से बहुत सारे और भी मुल्क के मसाइल हैं जहाँ पर हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए सबको, ताकि अगर हम ये अचीव कर सकते हैं, अगर हम एटमी पावर बन सकते हैं पाबंदियों के बावजूद, प्रेशर सस्टेन करके, फिर उसके बाद जो पाबंदियाँ लगी उसके बाद हम सर्वाइव भी कर सकते हैं, इसका मतलब है हम कर सकते हैं। तो आज का दिन मेरे ख्याल में ना, मेरी ज़ाती राय है कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी। हमें अपने ऑफिस में, स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चों को ये सबक दिया जाता कि आप उस टीम की, द डे When the government of Pakistan decide they want to be atomic power, वो दिन, और जब 28 मई का दिन, ये जो 30-35 साल की स्ट्रगल थी, किस तरह से टीम ने काम किया, क्या क्या हर्डल्स आई, किस किस तरह से लोगों को टारगेट किया गया, लेकिन फिर भी आप डटे रहे। मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय ये है कि छुट्टी से बेहतर ये था
हम उन उस टीम की उन ये जिनको ये ख्याल आया, जिन्होंने इसको पाया तक मेल तक पहुंचाया, जिन्होंने थोड़ा या बहुत इसमें कंट्रीब्यूट किया, उनको याद करते और अपने नस्लों को ये बताते कि भाई अगर आप में विल भी हो तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और हमने अभी ये एक फ़र्स्ट फेज़ था दुनिया में जिन्होंने एटॉमिक पावर्स हासिल की, उन्होंने उसके बाद एनर्जी उसे प्रोड्यूस की और आज दुनिया की बड़ी मौजतें बन के बैठी हुई हैं। बदकिस्मती से हम वो नहीं कर सके, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कि ये था कि अगर आज का दिन हम सिर्फ यही कर लेते हैं ना कि हमने वे आउट निकालना है इस एटॉमिक एनर्जी को यूटिलाइज़ करके अपना जो पावर्स क्राइसिस है इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो मेरा ख्याल है एक नेशनल डिबेट आप कर लेते तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद था। क्योंकि इससे बजाय छुट्टी से मिला दिया कि फिर लोग ऐसे ही करते हैं घरों में, सो अभी आधे लोग तो उठे नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। मेरी ये ज़ाती राय है, बाकी गवर्नमेंट जैसे समझती है डेफिनेटली उनका सहकाल था, उन्होंने कर दिया। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जब हम पॉलिटिकल एडवांटेज और मिड जो डिसएडवांटेज करते हैं ना एसोसिएट एक गवर्नमेंट की, अगर कोई कोई स्कैंडल आता है इस गवर्नमेंट में, मरियम नवाज साहब अगर प्राइम वजीर आजम वजीर आला है तो हम कहते हैं कि इसके गवर्नमेंट में हुआ था, तो भाई फिर एक वही जनरल सा फार्मूला है जिसके गवर्नमेंट में या जिसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में ये एक्सक्लूजन हो गए थे, क्रेडिट यूनियन का ही बनता है और हम तो क्रेडिट देते हैं मियाँ साहब को। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि उस पूरी टीम को भी क्रेडिट देना चाहिए। देखें उसमें आपकी तारीख का वो हिस्सा भी शामिल है जिसको आपके पॉलिटिकल जो फोर्सेज है वो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उस डिक्टेटरशिप में भी ये प्रोग्राम पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था और उसको कंटिन्यू किया गया था। ये विल ये डिटर्मिनेशन आज भी हमें चाहिए। लेकिन क्रेडिट जिसका है जिसके नाम है मेरे ख्याल से उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, बिला शुबा ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। और सॉरी आमर भाई ने एक बात कही ना, अभी बशरा की बात कर रहे थे, कुछ जो राइटर्स या फॉरनर्स वो लिखते हैं कि जब ये फैसला करने का वक्त आया ना तो हमारे जो इस मुल्क के बड़े थे उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मियाँ साहब देखें आप प्राइम मिनिस्टर हैं आपने फैसला करना, हालांकि हमारे मुल्क में यह प्रैक्टिस नहीं थी। तो जिनको जिनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने भी सब कुछ अपने से उतार के तो एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर पे फेंक दिया कि भाई आप डिसाइड करें, तो फैसला तो उन्होंने लिया वो जिस तरह से भी लिया, तो ये उनका क्रेडिट है। सो बिलाशुबा आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा और वाकई ही फख्र का दिन है। सो इसकी अहमियत को भी समझें, अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताएं, छुट्टी का मकसद भी जानें थोड़ा सा। आप उस तरफ अगर हम मतलब छुट्टी को एज एंजॉय लेते हैं, मेरे ख्याल से अगर आप घर में हैं तो ज़रूर आज के दिन के बारे में अपने बच्चों को बताएं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ है। वेलकम बैक। आई थिंक पहले हम मौजूदा मौसम की सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड स्टोरी पे आ जाते हैं, उस पर फिर जो ब्लेसिंग आवाम को मिली फिर हम वो डिस्कस करेंगे कि वो जो अगर आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओवर बिलिंग और दीगर मसाइल का सामना था वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मौजूदा मौसम की सूरत हाल, हीट वेव है, स्कूल्स में छुट्टियों का ऐलान किया गया लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग इससे मुतासर हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने अपने कामों पर जाना है, घर में तो आप बैठ नहीं सकते, शदीद गर्मी है। और साथ ही साथ शायद सिप्रा साहब कल भी कह रहे थे, लास्ट मंडे भी उन्होंने यही कहा कि लोड शेडिंग नहीं है। अच्छा, ये लोड शेडिंग आप कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन ये जो ट्रिपिंग हो रही है बार बार आपके ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात हो रहे हैं, ये लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं और ये लोड शेडिंग से वर्स्ट है क्योंकि जल्दी कोई ठीक करने नहीं आता। वकास आपकी तरफ होंगे। अच्छा, जो गर्मी है ना ये तो हर साल बढ़ेगी जब तक हमने अपने लाइफस्टाइल तब्दील ना किया, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना किया, तब तक तो ये बढ़ेगी। और जो भी आपने लास्ट पे बात की ट्रांसफार्मर जलने की ट्रिपिंग करने की, आपका जो मेरा ख्याल है जो इक्विपमेंट लगा हुआ है ना वो शायद उसकी कैपेसिटी ये नहीं है कि वो 50 टेम्परेचर तक, मेरे ख्याल कुछ इक्विपमेंट है आपका वो सर्वाइव नहीं कर सकता उसमें, तो फिर लोड भी ज़्यादा होता है। लोग जहाँ पे एक पंखा रूटीन में चलता है वहाँ पे लोग 3-4 भी चला रहे होते हैं, AC भी चला रहे होते हैं, फ्रिज भी चल रही होती है, तो हीट टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेरे ट्रिपिंग हो रही है। हाँ, सिप्रा साहब सही कह सकते हैं कि उस तरह की वर्स लोड शेडिंग नहीं है। हाँ, जैसे सब्जाधार वाला ग्रिड स्टेशन का इशू बना तो 2 दिन कैसे लाइट बंद रही, या शेड्यूल लोड शेडिंग आप कह सकते हैं कि 2-3 घंटे चार्ज आ रही है। कल हमारे भी इस तरह से रात रही तकरीबन 3-5 घंटे नहीं आई थी लाइट, तो वो शायद कह रहे थे कि टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है, मे बी वो इसलिए कह रहे हैं कि शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं है, अनशेड्यूल लोड शेडिंग हो रही है। अब आपने बात की कि मौसम की, एक ASP साहब आए हैं चेक पबास, उनका ताल्लुक है तो उनकी फर्स्ट पोस्टिंग है लाहौर में, तो 3-4 दिन कहते हैं यार, मैंने उनसे पूछा कि
आप क्योंकि जैकबाबाद से हैं तो वो तो गर्म तरीन एरिया है, तो आपको तो लाहौर नॉर्मल लगता होगा। उन्होंने कहा भाई नहीं, जैकबाबाद से ज़्यादा गर्मी है लाहौर में। मैंने कहा भाई आपका टम्परेचर हमसे 2-3-4 वैसे सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा वहाँ पे हवा चलती रहती है, आप छांव में खड़े हो जाएं तो आपको ठंडा का एहसास होता है। कहता है यहाँ पे तो रात को भी गर्म हवा है। बहुत शदीद गर्मी थी और कल मेरा ऑलमोस्ट मैं तकरीबन 3-3:30 बजे तक बाहर, एक दो काम थे तो मैं कहती रात। अच्छा सर मुझे एक सवाल करेंगे यार, हमें ये समझ नहीं आती कि लाहौर की हवा रात 2 बजे क्यों गर्म है। तो फिर वह खुद ही कहता है यार कि उन्होंने एक मिसाल दी वही हफीज सेंटर की, उन्होंने कहा यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपकी मार्केटें अभी भी 2 बजे खुलती हैं दोपहर को, तो फिर रात 10-11 बजे तक एयर कंडीशनिंग चलते हैं तो वो तो सारा सराउंडिंग में तो टेम्परेचर वैसे ही हाई हो जाता है। तो बात करने का मकसद यह है कि हमें आने वाले जो एक तो दुनिया में ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमने पिछले 5 साल से हम डिस्कस ज़रूर कर रहे होते हैं कुछ सेमिनार्स में, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हम डिस्कस ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे हमने कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया कि हमने अगले 5 साल में लाहौर को कैसे बचाना है। देखें आपका ये 4 महीने गर्मी का रोना रोते रहते हैं, फिर जो सर्दियाँ हैं तो लाहौर को बस बनाते चले जा रहे हैं, फिर जो सर्दियाँ हैं वो आपकी स्मोक की नज़र हो गई हैं, तो आपके पास इस शहर के लिए जो मौसम बचता है वो 2-3 महीने है। बिल्कुल ठीक है, जब जब वेदर चेंज होता है वो अपने साथ कोई ना कोई जुड़े हुए मसाइल लेकर आता है और लोग उससे मुतासर होते चले जाते हैं। आमिर भाई ऐसे ही है जो ये पूछ रहे थे, एसपी साहब भी पूछ रहे थे कि रात को 2 बजे क्यों गर्मी है, उसकी वजह है कि हमने कंक्रीट से आता है, पत्थर है, तो और लोहा उससे बनाई है बिल्डिंग्स। अब वो बिल्डिंग्स जब एक दफ़ा गर्म हो जाती हैं तो उनको ठंडा होने में बहुत वक्त लगता है। पत्थर और लोहा दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो गर्म भी होने में भी देर लगाती हैं, लेकिन उसके बाद ठंडा होने में भी बहुत देर लगाती है। उसमें से जब हवा गुजर के आती है, और क्योंकि प्लांटेशन हमने करनी नहीं है, हमने सोच लिया है, हमने ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भर्ती किए हुए हैं PHA के अंदर भी और अपने इदारों के अंदर भी, कि उनको पता ही नहीं है कि लाहौर के मौसम के लिए कौन सा दरख्त। इनसे बेहतर हिंदू थे जिनको पता था कि पीपल नीम बोर्ड लगाएंगे तो मौसम मुतदल रहेगा लाहौर का। ये बाहर से पौधे लेके आते हैं, वो 3-3 फुट के, 4-4 फुट के, 5-5, ये ड्रामेबाजी और डिज़ाइनिंग वाले पौधे हैं, वो लगा कर कहते हैं जी हमने देखे 10 लाख पौधे लगा दिए, इसका इतना बिल बना है, बिल दे दें गवर्नमेंट से, कहते हैं इतना फंड दे दें, इतना बिल बना है। वो आर्टिफिशियल और वो बढ़ते भी नहीं, वो आर्टिफिशियल पौधे हैं, ना उन पर परिंदा घोंसला बनाता है, ना वो हवा में। एक नीम का दरख्त 1.5 टन के 1 AC के बराबर है आज भी, लगाया हमने नहीं। आपके जितने सेवरेज लाइन्स हैं उनके इर्द गिर्द अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो मैं ये समझता हूँ हज़ारों नहीं लाखों दरख्त लगाए जा सकते हैं, लगाए हमने नहीं। उससे क्या होता, फ़ज़ा भी साफ़ होती, वो जो गंदे नाले से उठने वाली बू है, नीम का दरख्त उसको भी साफ़ करता, आपकी मक्खी मच्छर इसको भी कम करता। सिर्फ नीम के दरख्त लगाते चले जाएं, ये जितनी आपकी सेवरेज लाइन है इनके साथ साथ किसी ने नहीं सोचा। हाँ कब्ज़ा कराने का सोचा, भैंसों के बारे बनवा दिए, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, नालों के साथ भैंसों के बारे बने हुए और ये दुकानें बनी हुई और उन पर मीटर लगे हुए, मैं तो हैरान होता हूँ। वो चारा कुतरने वाली मशीनें लगी हुई हैं, लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जगह किसकी है, वासा की। गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि वहाँ पे दरख्त लगा देती, लेकिन हुआ क्या, हमने कब्जे करा दिए। अब आप रोते हैं कि जी एनवायरनमेंट, हम जी सर्दियों में स्मोग आएगी, गर्मियों में गर्मी आएगी, विकास भी कह रहा है हर आने साल वाले साल में बढ़ेगी। मुझे बताएं हम में से कितने लोग हैं जो इस बात का शऊर रखते हैं कि हमने कौन सा पौधा अपने घर के बाहर लगाना और कौन सा नहीं लगाना। जो तो मान लीजिए जो वही करना है, तो अगर यही प्रैक्टिस रही तो आने वाले दिनों में गर्मी भी जो है वो शदीद होगी और हालात वर्स्ट होंगे। खैर ऐसे में जो ब्लेसिंग है वो ये है कि ओवर बिलिंग आपको नहीं हो रही, आप बिजली का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बिल आएगा, जो पहले चीजें थी उससे थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील किस तरह से होगी, और अभी मई में जो बिलिंग हुई है वो भी किस तरह से सिफर हुई है, इसके पीछे एक बड़ी काविश है, उसका जिक्र करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वेलकम बैक वंस अगेन। गर्मी है बहुत ज़्यादा शदीद और ऐसे में मतलब अगर छुट्टियां हैं तो किसी का दिल नहीं करता कि वो कम से कम 6-7 बजे से पहले घर से निकले। अगर आपने कोई ज़रूरी काम भी करना है, आप घर रहेंगे तो आपकी बिजली इस्तेमाल होगी, जब आप बिजली इस्तेमाल करते थे तो इशू क्या आता था जी, ओवर बिलिंग भी होती थी और बहुत सारे मिसाइल भी होते थे आपके बिल को लेकर, बिल बाद में ठीक भी नहीं किया जाता था।
अभी डायरेक्टर एफआईए कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने वाजे तौर पे ये बात कही थी कि हमने पूरी कोशिश कर दी है और उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला की काविशों को बेहद सराहा था और उन्होंने कहा था कि जी माजी में कभी ये हुआ नहीं था कि एफआईए ने ये भी काम किया है। सो एफआईए ने भी कर दिखाया और वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी कर दिखाया। मई में ओवर बिलिंग जो है वो बिल्कुल सिफर पर आ गई है। ऐसे में डायरेक्टर एफआईए ने कहा था कि जी सरफराज साहब ने कि अगर ओवर बिलिंग होती है तो एफआईए के दरवाजे खुले हैं, आप वहां जा सकते हैं। आमिर भाई देखिए, क्रेडिट तो बनता है एफआईए का कि एफआईए को एक टास्क दिया और वो खुद कह रहे हैं हमने माजी में कभी ये काम नहीं और किया। ये माजी में किसी ने सोचा भी नहीं था ओवर बिलिंग का, कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनकी चलाकी ये थी कि एक आम सारिफ को तो ये 5 यूनिट 10 यूनिट 15 यूनिट 20 यूनिट, लेकिन अगर आप उसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो वो लाखों यूनिट बनते हैं, लेकिन 5-10 यूनिट ऊपर नीचे हुए तो आपको कभी बिल में एहसास भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलता ना। असल ये कार्रवाई डालते थे सरकारी महकमों के, तो सरकारी महकमों की ओवर बिलिंग की ना महकमे ने पैसे देने थे, वो कर्जे पे कर्जा चलता रहता था, लेकिन ये जो बिजली चोरी करवाते थे उसको उसमें कवर कर जाते थे। ये जो पैसे हमें डालते थे, किसी को 25 यूनिट, किसी को 100 यूनिट, किसी को 200 यूनिट, ये इनका कोई हिसाब नहीं है। और इसका तरीकाकार यही था कि करा एहतसाब किया जाए और मेरा ख्याल एफआईए ने करा एहतसाब किया है और ये कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए डायरेक्ट एफआईआर जब तक एक आम सारिफ के पास भी एआईएम मीटर्स जो हैं वो नहीं आ जाते। अब एआईएम मीटर मुझसे बेहतर सिप्रा बता सकते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीटरिंग है जिसमें मीटर रीडर का किरदार ख़त्म हो जाएगा। जो मीटर रीडिंग होगी वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर उससे बिलिंग कर देगा। उसमें जो कहते हैं ना कि इंसानी अकल और इंसानी हाथ जो है अमल दखल ही नहीं देगा, दखल नहीं देगा। और अगर कोई मीटर रीडर तस्वीर भी बनाएगा तो वो तस्वीर उस कंप्यूटर को भेजने का पाबंद होगा जिस कंप्यूटर पे ये मीटर कैलकुलेट करके आपको वो बिजली का बिल बना देगा। तो मेरा ख्याल है एफआईए अपने बेशुमार काम के साथ अभी इस काम को जारी रखे, जब तक एक एक सारिफ के पास एआईएम मीटर जो हैं वो नहीं आ जाते हैं और ये मीटरिंग जो है इससे लोगों को रिलीफ मिलना शुरू नहीं हो जाता है। ये ठीक है कि उन्होंने मई में भी सिफर बिलिंग कर दी है, लेकिन क्या गारंटी है कि एफआईए अगर दूसरे कामों में लग गई, जहां रुका एफआईए ने काम वहां पर दोबारा ये दोबारा शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि मीटर रीडर तो वही है, वो तो सारे आपने बदले नहीं है, लेस्को की रविश भी वही है जो कि बदल नहीं सकती है जब तक इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाए, जब तक ऐसे लोगों को ला के ना बैठाया जाए जिनको पता है कि हमने इतने पैसे लेने और इतने पैसे देने हैं, इतने की बिजली आई कहाँ गई और इतने की बिजली जा रही है तो इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट जाता है गोज़ टू मोहसिन नकवी जिन्होंने ये पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ओवर बिलिंग वाला जो है ये मामला उठाया। ओवर बिलिंग वाला मामला ठीक हो जाए इसके बाद मेरा ख्याल है लेस्को के बाकी मामला तो भी ठीक। अपने बिलों का जरा कंपैरिजन करके देखें आम सारिफ भी, क्योंकि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती थी वहां पर फिर उन्होंने उसको मैनेज करने के लिए ओवर बिलिंग बाकी सब लोगों पर कर देते थे। वकास आमिर भाई ने एक बात की है सर, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्राइवेटाइज ना करें। किया इलेक्ट्रिक आपके सामने है, लेस्को तो फिर भी आपने पकड़ लेते हैं, किया इलेक्ट्रिक को आप पकड़ भी नहीं सकते, तो लेस्को को प्राइवेटाइज की तरफ ना लेके जाएं, चीज़ें बेहतर करें। हर चीज़ का हल ये नहीं है कि एक चीज़ बुरी है तो उसको बेच दें, अगर बेच के किसी और से चलाने हैं तो फिर गवर्नमेंट ही किसी और को दे दें। क्रेडिट तो मुझसे साहब का है, जिस तरह से उन्होंने टास्क दिया उसकी मॉनिटरिंग की, उसके वैल्यूएशन की, फॉलोअप किए, क्रेडिट तो है। और रिलीफ इस हद तक आवाम को मिला है, एक हमारे दोस्त हैं उनका सॉफ्टवेयर हाउस है, उनका पीएन है, तो वो मुझे बता रहा था कि अभी मेरा लेस्को 2 महीने हो गए मुझे बिल नहीं आ रहा, तो अभी भी लेस्को वालों ने कहा है कि आपका 3000 हमारी तरफ ऑलरेडी है। अच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि इस महीने भी मेरा बिल नहीं आएगा। ये हाल है कि एक जो छोटे छोटे जो कम रोज जिनकी आमदन वाले अफराद थे उनको किस तरह से डाका डाला गया। ये रिकवरी से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि डाका कितना बड़ा था, लाहौर में सिर्फ 34 अरब से जायद का डाका था, तो आप सोचेंगे पाकिस्तान में या के एक्ट्री को निकाल के बाकी जगहों पर कितना पैसा निकाला गया, ये भी देखना होगा कि ये पैसा कहाँ पे गया। अब आपको पता चला जी जिन के ये सरकारी महकमा है इसलिए अरबों रुपए अवाम की जेबों से निकाल रहा था, के इलेक्ट्रिक अरबों रुपए अवाम की जेब से नहीं निकाल रहा है। आज भी बिजली चोरी में कराची नंबर 1 सिटी है इस वक्त भी, इस वक्त भी आप कभी कराची जाओ
आप ज़रा जाना मुख्तलिफ इलाकों में, नो गो एरियाज़ हैं वहाँ पर, आपका के इलेक्ट्रिक का बंदा वहाँ पर जाके मीटरिंग कर नहीं सकता है, बिल भुजवाते हैं बिल्कुल प्ले ही नहीं करता है। और वहाँ के, अब मैं क्या कहूँ, वहाँ के वज़रा भी ये कह रहे हैं कि जी ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बिल नहीं दे रहा था, आप उसका पानी काट दें। कल पिछले तीन दिन पहले आया था तो आप बिजली कट नहीं कर सकते। तक ये यहाँ वहाँ पे ये हाल है, कराची की आप मिसाल गलत दे रहे हैं भाई। नहीं सर, मैंने ये कहा था, ने अरबों मैंने सिर्फ ये कहा था और आपकी जेबों से निकाले हैं। मैंने सर हमर भाई ये कहा था, आपने लेस्को से उनकी चोरी पकड़ के पैसे निकलवा लिए, के इलेक्ट्रिक से आप निकलवा के दिखाएं। ये के इलेक्ट्रिक ही नहीं ना, वहाँ तो लोग चोरी कर रहे हैं भाई। सर आप के इलेक्ट्रिक नुकसान में है वहाँ पे। सईद गनी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने कहा, उसने ये कहा कि भाई अब के तो बिलिंग के लिए उन्होंने ये कहा, अब सुन ले ना, उन्होंने नाम ले दिया, उनके बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि जी के इलेक्ट्रिक हमारे हाथ से, हमारे काबू में तो नहीं है, इससे हमारी जान छुड़ा देंगे। सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि केयर इलेक्ट्रिक से हमारी जान छुड़ा और उन्होंने कहा क्योंकि जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनकी बिजली काटी नहीं जाती। आमिर भाई मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेटाइज की प्रॉब्लम दौर है, कौन सा मसला हल हो जाएगा जब तक आप जिसने हटदर्दी करनी है, जिसने बिजली चोरी करनी है, आप इस तरह ना करें। आप उसको कंपेरिजन कर रहे हैं केयर इलेक्ट्रिक के साथ ना, आप देखें कि दुनिया भर में क्या मामला चलता है। अच्छा मुझे दुनिया भर में कौन सी सरकार बिजली बनाती है, ये यूके से आए हैं, इनसे पूछे वहाँ प्राइवेट। दुनिया भर में आईपीपीस के साथ मुआहदे कौन करता है, मेरे पास दुनिया करती है आईपीपीस के मुआहदे पूरी दुनिया में दिखा दूँ। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो काम अच्छा हुआ जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहस छिड़ गई कि प्राइवेटाइज होना चाहिए, वकास के अपने तहफ़ुज़ात हैं और आमिर भाई अपने मौक़िफ़ पे विराजमान हैं। अब समझाएगा कौन कि वकास कहते नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही कोई वकास स्टिल आपका मौक़िफ़ इनकी मराज जो हैं सारी की सारी गवर्नमेंट्स वाली हैं और काम इनका भी प्राइवेट ही है। ये भी बिजली लेते हैं पावर डिवीजन से और उसको आगे सेल करते हैं और फिर अपनी अपनी तनख्वाहें जो हैं इनके एमडीज़ और चेयरमैन ने अपनी अपनी लगाई हुई हैं। यानी मुझे बताएं कौन सा ब्यूरोक्रेट इस वक्त भी है 22वें 23वें के रेट का जो 80 लाख रुपए 85 लाख रुपए तनख्वाहें लेता हो, ऐसे है इसमें लेते हैं लेस्को में, किसका पैसा है और किस काम का लेते हैं, इस काम का ओवर बिलिंग करने का, इस काम का कि बिजली चोरी करवाने का। बिजली के यूनिट भी मुफ्त मिलते हैं, ये भी बता दें, इन्हें फ्यूल भी मिलता है। मीटर की मान पाऊं तो अर्ज करूं, शायद सुप्रा साहब भी गलत बयान नहीं कर रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं हो रही। नहीं, उन्होंने कहा कैटेगोरिकली क्या, मैं टेलीफोन लाइन पे ले लेती हूं, उन्होंने कहा ले लें। मैं कह रहा हूँ मेरे घर में हो रही है लोड शेडिंग हो रही है, वो कहते हैं मैं कह रहा हूँ वो बजित रहे। अब वो एक बंदा कहे कि कहाँ चिट्टा था, मैं आप फिर मेरे पे इल्जाम लगाएंगे कि आपके इलाके में हो रही है। नहीं, वो मीटर पे आपके वैसे भी लंबे का मीटर ते हाथ पाता सीधा, उसका प्रॉब्लम ये है। अब मुझे बताए, मुझे मैं रोज भुगतता रहा हूँ उस लोड शेडिंग को जो कि हो रही है और 4 घंटे या 6 घंटे, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त दफ्तर में होता हूँ, तो मेरा ख्याल है 4 से 6 घंटे टाइम कम है, नहीं तो मैं कॉल पे इस 10:15 रात को जानी है, सिर्फ 11:15 जाना, यानी है जस्ट बच्चों के सोने का टाइम है, ऑफिस जाने वाले का टाइम है, उस वक्त वो बत्ती जाती है। इसी तरह शाम में जाती है 5:15 से 6:15 तक जाती है, दोपहर में एक वक्त पे जाती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 8:15 जाती है, 9:15 आती है। मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, 4-5 घंटे तो मुझे भी याद है होती है, मैं तो खुद कह रही हूं। असल वो सही कह रहे हैं ना, जहां 10 घंटे होती थी वहां से अगर 4 घंटे नहीं नहीं वो नहीं है, वो असल बात वो नहीं है, खास मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन बाकी लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, स्टिल मौकिफ यही है कि प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपको 2022 का केयर इलेक्ट्रिक का 8.5 अरब का उनका प्रॉफिट था, केयर इलेक्ट्रिक का 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 8.5 अरब का प्रॉफिट था, 8.5 अरब वो था जो मालिक ने अपनी जेब में डाले और हो गया जी। हाँ मैम, और जिन इश्यूज जिन्होंने बात की है ना, जिन्होंने मालिक कौन था, कहते हैं कि आप बिजली काट नहीं सकते हैं वहां, बिल्डिंग्स में काटने नहीं देते हैं। भाई आप क्या बात कर रहे हो कराची की,
कराची में नो गो एरियाज जो वापडा का लाइन लॉसेज है, क्या सिर्फ वो कराची में है? वापडा का नहीं मैं बात कर रहा हूं, यहां पे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिधर पता है कि कुंडे लगे हैं, बिजली चोरी हो रही है, लेकिन वहां कोई नहीं जा सकता। यहां पे भी बहुत सारे इलाके हैं, जा सकते हैं, वहां से पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं बस। ठीक है जी, ब्रेक, अब ब्रेक की तरफ हमें जाना है, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं जी। स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे, पुलिस से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिकायत रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की गई, नया थानों को किया गया, लेकिन बावजूद इसके कुछ शिकायत लोगों की रहती हैं। अब आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या है, हमारा तफ्तीशी निज़ाम है क्या, खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ चोरी डकैती या दीगर कोई वाकयात पेश आते हैं तो उस पर पुलिस इन तमाम मामलात पर इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, इन्वेस्टिगेशन के मराहिल क्या हैं, क्या हमारे पास वो तमाम बैनुल अक्वामी सतह के मयार की चीज़ें मौजूद हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल होती हैं, ये जियोफेंसिक, ये फोरेंसिक, क्या हर किसी को इस तक रसाई है, किन किन केसेस में इसकी ज़रूरत होती है, क्या ये पुलिस डिसाइड करती है, अगर कोई मुतासरा शख्स इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या उसकी रिक्वेस्ट मानी जाती है। सेकेंडली, इन्वेस्टिगेशन के मराहिल क्या हैं, कितनी देर में, क्योंकि यहाँ तो हम सुनते हैं कि जी एक वाक्या हुआ, चार पाँच छः माह इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, क्या मराहिल हैं, किस किस्म के केस में इन्वेस्टिगेशन कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे मेहमान जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन मुजीद अहमद हाशमी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थाने तब्दील हुए और ऐसे तब्दील हुए कि मैं तो खुद देख के परेशान होगी, एक दो बिल्डिंग्स जब मैंने बाहर से देखी, शादबान वाला थाना क्योंकि हमारा ऑफिस वहाँ था तो वो एक भूत बंगले का मंजर पेश करता था और मैं परेशान हो गई थी कुछ दिन पहले वो थाना देख कर। सो ये थाने चेंज होने से थाना कल्चर तो तब्दील नहीं हुआ, इसकी तो बेहतर आप बता सकते हैं, लेकिन हम जो सूरत हाल देखते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सो अंदर बैठ के कैसा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम आपने इनवाइट किया। देखिए ये स्वीपिंग स्टेटमेंट अगर हम ये कहें कि थाना कल्चर जो है वो चेंज नहीं हुआ, एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है उसकी, एक चेंज का जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है, ओवरनाइट अगर हम कहेंगे कोई भी चेंज आ जाएगी दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको शेप कर रहे होते हैं, वो सोसाइटी का हिस्सा है, जो भी पुलिस ऑफिसर है या किसी भी कैपेसिटी में वो सर्व कर रहा है दैट इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और ये चीज़ें जो है वो इंट्रैक्टिव भी हैं और वो शेप अप कर रही होती हैं जिस एनवायरनमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्डिंग्स बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिस आपकी डायरेक्शन पे और उनके इनिशिएटिव पे ये सारा प्रोसेस हमारा चला है। वर्क एनवायरनमेंट डिफाइन करता है कि उसमें आप किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके वर्क एनवायरनमेंट से। तो थाना कल्चर अगर आप कह रही हैं कि चेंज नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी, एक प्रोसेस है वो एटलीस्ट स्टार्ट हुआ है, जो अच्छे काम हो रहे हैं। यानी अभी आप कह रहे चाहते हैं इनिशियल मराहिल पर है, इनिशियल मराहिल में है और वो प्रोसेस है, कहीं से तो हमने स्टार्ट उसको लेना है, और जो ट्रस्ट है पब्लिक का वो बिल्कुल बहाल हो भी रहा है। अगर हमारे कोई फेलियर्स होते हैं तो उसके साथ सक्सेस स्टोरीज भी हैं जिसको हम प्रोजेक्ट भी करते हैं, वो शेयर भी करते हैं, वो चाहे अख़वाब रहतवान के केसेस हों, वो ब्लाइंड मर्डर केसेस हों, उसमें रिजॉल्व भी होते हैं, डिटेक्शन भी उसकी होती है, कन्विक्शन भी उसमें अचीव करते हैं। तो और वो डेफिनेटली वो एक सेगमेंट है जो उससे बेनिफिशियरी भी है और वो पब्लिक डेफिनेटली अपने वो ट्रस्ट का इजहार भी करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आपकी ज़िम्मेदारी है, सो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम हमारे यहाँ कैसा है, ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अगर पुलिसिंग के हम कहें कि दो कोर फंक्शंस हम देखें पुलिस के, तो वो एक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है कि हम उसकी प्रिवेंशन करें, वो पार्ट है जो ऑपरेशन हमारा साइड कहलाती है कि हम उसकी प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं, लेकिन 100% प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं होती, क्राइम जो है वो हो जाता है। तो जो सेकंड फेज होती है वो इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम डिटेक्शन ऑफ क्राइम कहते हैं। यानी एक वाक्या हो गया उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन जी। अब लीगली अगर हम उसको चलें तो सबसे पहले हमारे पास अगर एक हम एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी का यूनिट है, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कर रहे हैं और हम एक एजेंसी हैं जो डिटेक्शन ऑफ क्राइम करती है। आप इसी तरह देखें कि कोई भी अगर सर्विस डिलीवरी यूनिट है वो कोई भी फ्रेंचाइज हो सकती है, आप पुलिस को उसी तरह से आप ट्रीट कर लें कि हमारा काम है उसमें अब इन्वेस्टिगेशन करना। तो इन्वेस्टिगेशन लॉ जो डिफाइन करते हैं दैट इज़ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस का मकसद ये कि हमने उस क्राइम को क्रिमिनल के साथ लिंक कर देना है, क्राइम सीन के साथ लिंक कर देना है, उस विक्टिम के साथ कनेक्ट करना है। जब ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर जाती हैं तो उसे हम एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि जिसमें हमने रेलेवेंट एविडेंस वो कलेक्ट कर लिया।
एविडेंस का मैार ये होना चाहिए कि वो एडमिसिबल भी हो कोर्ट में, वो रेलिवेंट भी हो जब हम कोर्ट में उसे प्रोड्यूस करते हैं. और अल्टीमेट गोल इन्वेस्टिगेशन का ये है कि वंस वी हैव कनेक्टेड ऑल द ब्रोकन पीसेज तो हम उसमें कन्विक्शन इंश्योर कर रहे हैं. बहुत सेंसिटिव काम है, बहुत सेंसिटिव काम है ये. और जो अगर कहा जाए कि पुलिसिंग का ज़्यादा प्रिवेंशन, ये मैं नहीं कह रहा कि इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो क्राइम रिडक्शन में पार्ट प्ले करता है वो आपकी बेहतर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि अगर आपने सही डिटेक्शन कर ली और आई थिंक रोकता भी आपके वाकयात को ही बेहतर इन्वेस्टिगेशन ही बिल्कुल है. अगर आप बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, ऑब्वियसली आप जो जिम्मेदारान हैं उन तक पहुंचेंगे, उनको मिसाल बनाएंगे और आगे से किसी को पता होगा जी हमारे तक तो पहुंच हो जानी है, हमने तो अब ये काम नहीं करना. बिल्कुल, ये है चीज़ जो डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट करता है कि अगर हम क्रिमिनल तक पहुंचते हैं और ये सर्टेनिटी है जो विक्टिम है उसे भी ये श्योरिटी है, और क्रिमिनल को भी अगर ये एहसास है कि मैं अगर क्राइम करता हूँ तो मैं गिरफ्त में भी आऊँगा और मैं कन्विक्ट भी हूँगा, तो ये वो चीज़ है जो डिफरेंट वैल्यू क्रिएट करती है. अब लीगली हमारे पास 14 दिन का टाइम होता है जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है. 3 डे ग्रेस पीरियड होता है, अगर कंप्लीट फॉर सम रीजंस नहीं हो सकती इन्वेस्टिगेशन तो ग्रेस पीरियड हमारे पास अवेलेबल होता है. लेकिन यूजुअली ये पीरियड अभी आजकल जिस तरह से क्राइम की नेचर है वो सफिशेंट नहीं है. बाकी मुल्कों में अगर हम देखें तो ये पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो चुका हुआ है. 14 दिन में अभी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं रहा, क्राइम की नेचर क्योंकि चेंज कर गई है तो पॉसिबल नहीं होता कि 14 दिन में ये हो जाए. तो आप जिस तरह से आपने शुरू में कहा कि आपके पास स्मार्ट गैजेट्स आ गए हैं जिनका सहारा ये जराइम पेशा अपराधी ले रहे हैं, फिर इन तक पहुँचते हुए टाइम लगता है, लेकिन आप ये इसको नहीं कह सकते कि अब ये महीनों पर मुहित हो जाए अमल, वो भी फिर ठीक नहीं है, फिर तो आपका क्राइम कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा ना. बिल्कुल, महीनों पे भी नहीं होता, ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस तो उसी वक्त इनिशिएट हो जाता है वंस एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड. जैसे ये एफआईआर रजिस्टर हो गई तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है. अब इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट हमारे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी बने हुए हैं. अगर उसमें खवातीन से रिलेटेड कोई क्राइम है या जेंडर रिलेटेड क्राइम हुआ है तो हमारे स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन यूनिट और उसके आईओ सेपरेटली हमारे पास मौजूद हैं, तो इन्वेस्टिगेशन उनके पास चली जाती है. अगर खवातीन उसमें शिकार हुई हैं किसी क्राइम का तो फीमेल ऑफिसर ही को हम तरजीह देते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन उस केस की वही करें. इसी तरह से नारकोटिक्स के लिए हमारा स्पेशल सेपरेट यूनिट होता है और आईओज होते हैं, दे आर इक्विप्ड इन इन्वेस्टिगेटिंग नारकोटिक रिलेटेड केसेज, तो वो इन्वेस्टिगेशन उनको मार्क हो जाती है. अगर मर्डर के केसेस हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस डिफरेंट होगा, अगर एक चोरी का केस है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट होगी. तो ये फाइनेंशियल क्राइम का यूनिट एक बिल्कुल सेपरेट हेड आ जाता है. अगर चेक बाउंस का केस है या फाइनेंशियल फ्रॉड का फोर्जरी का कोई केस है तो उसके लिए हमारी जो है वो एक डिफरेंट तरीकेकार होता है इन्वेस्टिगेशन का जो उसमें चलता है. मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्या हमारे पास वो इन्वेस्टिगेशन के तमाम जदीद तकाजे मौजूद हैं जो हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक में इस्तेमाल किए जाते हैं, या अभी हम बहुत पीछे हैं? देखिए, पीछे है कहना जो है वो भी मैं कहूँगा गेन बहुत हम एक जजमेंटल वैल्यू प्लेस कर रहे होंगे. तकाजे जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं. हमारे पास जो यूनिट्स हैं जो अगर मैं समझूं कि दो ऐसे इदारे जिनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस की जो है वो ख़ासतौर पर मैं बात करूँ बहुत इम्प्रूव हुई है, उसमें एक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है जिससे हमें बहुत मदद मिल रही है और वो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर हम देखें तो वो एक उसके बराबर है वो, और किसी भी तरीके से कम नहीं है हमारा जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है. इसी तरह हमारे पास बट अगर वो प्रॉपर तरीके से फॉल हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, फिर एक्चुअली आपको वो जो सेफ सिटी वाला आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल, वो एक चीज़ है. दूसरा, फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जो हमारे पास है वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होती है हमारे पास केसेस की डिटेक्शन के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हम जब भी हमारे कोई केसेस होते हैं जिसमें कुछ भी फॉरेंसिक एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है तो ये भी हमारी एक ऐसी एजेंसी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह मीट करती है. और इन्वेस्टिगेशन का क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा हर सिस्टम में होती है और डायरेक्टली रिलेटेड है वो रिसोर्सेज से. अभी अनप्रेसिडेंटली जिस तरह से अभी हो रहा है कि रिसोर्सेज पूल इन किए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में भी और पुलिस को ओवरऑल जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं डेफिनेटली उससे जो है वो चीज़ों में बेहतरी आ रही है. क्या है जियो फेंसिंग मैडम? ये जो है एक हमारे पास एनालिसिस होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगा तो दैट वुड अमाउंट टू असिस्टिंग द क्रिमिनल्स. तो मैं अगर उसको आसानी के लिए सिर्फ व्यूअर्स की आपके जो मैं बता दूँ कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक सस्पिशन होती है कि किसी क्राइम सीन पे फ़ोन की एक्टिविटी हुई है लेकिन हमें वो आइडिया नहीं होता कि वो फ़ोन कौन सा नंबर है या कौन सा मोबाइल है जो वहाँ पर चला है. तो हमारे पास ये जो जियो फेंसिंग का प्रोसेस है उसमें एक काफ़ी बड़ा डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल होता है जो जो भी एक्टिविटी टेलीफोनिकली सेलुलर नेटवर्क पे हुई होती है उसका सारा एक पूल होता है डेटा का
तो उसके साथ जो है वो डिफरेंट तरह से हम एनालिसिस करते हैं और उसमें साहब अगर कोई मुतासरा शख्स ये चाह रहा है कि उसको ये सहूलत दी जाए जियो फेंसिंग या फिर जैसे हम फॉरेंसिक की सहूलत कहते हैं, ये केस टू केस वेरी करता है, आपका डिसीजन होता है या किसी की रिक्वेस्ट पर भी इस पर जो है वो जाया जा सकता है? जियो फेंसिंग जो है वो केस टू केस डिटरमिन करती है, ठीक है। ये क्योंकि प्रोसेस मैंने आपको बताया कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा लेंथी है और इसमें काफ़ी एनालिसिस रिक्वायर्ड है, तो अगर तो हम इससे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में हो और वो नॉमिनेटेड हो, अगर हमारा एक्यूज्ड या हमारे पास आइडेंटिफाई वो हो रहा है, ये बिल्कुल ब्लाइंड केसेस में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ऑफेंडर का बिल्कुल भी आइडिया ना हो, एक्यूज्ड के हमें ना पता हो, अगर तो वो ईजिली ट्रेसेबल है विदाउट जियो फेंसिंग तो फिर हम उसको ज़रूरत नहीं है तो हम उस प्रोसेस में नहीं डलते। लेकिन विक्टिम बिल्कुल अगर वो समझता है कि उसके केस में जियो फेंसिंग इफेक्टिव है, समटाइम्स पब्लिक है वो इंसिस्ट करती है कि जियो फेंसिंग करवाई जाए, लेकिन हम उसको देख रहे होते हैं कि वहाँ पे ऐसे कुछ सर्कमस्टांसिस नहीं है कि वो बेनिफिशियल हो, लेकिन लोगों ने क्योंकि सुना होता है कि जियो फेंसिंग शायद कोई तरीका है जिससे आप एक्यूज तक पहुँच सकते हैं, तो गैर ज़रूरी भी बाजू का तो उनकी तरफ से इसरार होता है कि आप जियो फेंसिंग करवाएं, तो ऐसी सूरत में हम उनको बताते हैं, लूप में लेते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है और वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर तो मददगार साबित हो रहा हो आईओ खुद भी डिसाइड कर सकता है, सीनियर ऑफिसर्स के पास जब भी कंप्लेनेंट जाता है तो वो बिल्कुल करवाई जा सकती है, लेकिन डिटरमिन हम ये करते हैं कि वो गैर ज़रूरी तो नहीं, अगर उसकी ज़रूरत है और बिल्कुल ब्लाइंड है वो केस जिसमें कोई और पेशरफ्त नहीं हो रही और ऐसे हमें लगता है कि उसमें एक टेलीफोनिक एक्टिविटी हुई है जिसमें जियो फेंसिंग जो है वो फ्रूटफुल साबित हो सकती है, तो वो कोई ममानत नहीं है और कोई भी अप्रोच कर सकते और ये प्रोसेस करवाया जा सकता है। एसपी साहब एक आम तासुर है, बहुत सारे लोगों से सुना भी कि नाकिस तफ्तीश की वजह से मुलजमान जो है वो बरी हो गए, बहुत सारी लोग ये शिकायत करते हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए हमारा क्या नकाइस रह जाते हैं तफ्तीश में, क्या कौन से ऐसे मराहल होते हैं कि लोग ये शिकायत करते हैं? देखिए डिफेक्ट्स जो हैं वो क्योरेबल और इनक्योरेबल दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं अगर हम उसको तफ्तीश में बात करें। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो तो आईओ की नेग्लिजेंसी की वजह से हो सकते हैं कि आईओ की कैपेसिटी, और एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये पैसे दे दिला के जो काम बीच में हो जाता है वहाँ से भी मुलजमान तक नहीं पहुँचा जा सकता। सो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये वाक़ियात होते हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या करना है? देखिए मैं आपको जो बता रहा था कि अगर तो आईओ की नेग्लिजेंस की वजह से है तो सुपरविजन का मेकनिज़म एक इन प्लेस है, एक आईओ अकेला नहीं होता जो केस को डिसाइड कर रहा होता है या उसकी तफ्तीश कर रहा होता है, कॉन्स्टेंटली उसे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है हर थाने पे जो उस केस को सुपरवाइज कर रहा होता है और उस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर रहा होता है, साथ साथ वो डायरेक्शंस भी जारी कर रहा होता है, फिर उसके बाद डीएसपी इन्वेस्टिगेशन होता है हर सर्कल में, एक जितने भी हीनस केसेस होते हैं बल्कि तमाम ही केसेस को बराह रास्त वो भी मॉनिटर कर रहा होता है, अगर उतना फ्रीक्वेंट वो नहीं कर रहा होता जितना इंचार्ज कर रहा होता है तो एटलीस्ट वंस अ वीक या आफ्टर फोर्टनाइट वो ज़रूर उन केसेस को रिव्यू कर रहा होता है, फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन मौजूद होता है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और जो पूरी हायरार्की हमारे पास मौजूद है। अगर किसी भी स्टेज पे कंप्लेनेंट मुतमईन नहीं है इन्वेस्टिगेशन से तो ये सारे फोरम उसके पास अवेलेबल हैं, वो अपनी एक दरख्वास्त दे और वो बताए कि मेरे ये एलिगेशन है, उसको वेरीफाई किया जाता है क्योंकि एलिगेशन भी समटाइम्स अब दो पार्टीज हैं उनमें डिसाइड कर रहे हो तो आप एक खुश होगी और एक नाराज़ होगी क्योंकि जिसके हक में वो जा रहा होगा, तो एलिगेशन समटाइम्स जो है वो फ्रिवोलस भी होता है तो उसको डिटरमिन करना भी ज़रूरी है, तो इंक्वायरी का प्रोसेस होता है, आप इंक्वायरी करते हैं, हमारा तब्दीली तफ्तीश का बोर्ड होता है, एक मैकेनिज्म है कि अगर वो मुतमईन नहीं है और वो समझता है कि आईओ जो है वो मेलाफ आईडी उसकी है और वो किसी एक पार्टी के साथ जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, तो तब्दीली तफ्तीश का हमारा प्रोसेस होता है, उसमें सीनियर ऑफिसर्स का पैनल बैठता है, वो रिव्यू करते हैं इन्वेस्टिगेशन, अगर वो समझते हैं कि वो सजा उसको सजा भी दी जाए तो सज़ा भी दी जाती है उस आईओ को और केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डीएसपी लेवल पे। अगेन सेकंड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी अवेलेबल है कि अगर एसटीपीओ की इन्वेस्टिगेशन से भी वो मुतमईन नहीं है तो तब दोबारा सेकंड बोर्ड होता है और तफ्तीश जो है वो तब्दील करके एसपी रैंक के ऑफिसर को दे दी जाती है। तो ये वो सब डिफेक्ट्स हैं, अगर क्योरेबल लैक्यूना कोई रह गया है इन्वेस्टिगेशन का तो वो उसके लिए ये मैकेनिज्म है, और समटाइम्स ऐसा है कि डिले इन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम की वजह से अगर कोई लैक्यूना रह गया है जो क्योरेबल नहीं है तो वो चीज़ है जो फिर एक्विटल की वजह बनती है और वो केस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, जो क्योरेबल डिफेक्ट्स हैं उनके लिए तो रेमेडीज जो हैं वो सारी मौजूद हैं। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप जो है वो तावुन करें पुलिस के साथ और जो है इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मैं खासतौर पे अगर बात करूँ उसमें बहुत ज़रूरत होती है तावुन की, जितना आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे पुलिस के साथ अपने आईओ के साथ तो उतनी इफेक्टिव हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है। समटाइम्स लोग रिलक्टेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन ओपनली शेयर नहीं कर रहे होते, कुछ केसेस में कोई टैबू समझ रहे होते हैं या वो इज्जत की बात समझ रहे होते हैं तो वो ओपनली और फ्रेंकली शेयर नहीं करते।
जितना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे साथ होगा वो तमाम ऑफिसर्स अवेलेबल हैं आपकी बात सुनने के लिए, आप जितना ओपनली बताएंगे और जितना आप असल वर्जन के साथ अपने वकूए के रहेंगे उतनी बेहतर इन्वेस्टिगेशन होगी। समटाइम्स लोग समझते हैं कि मैं इसको अगर बढ़ा चढ़ा के पेश करूंगा या मैं इसमें कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा तो वो केस को बेहतर नहीं बनाती बल्कि खराब कर, वो खराब कर देती है वो केस को। तो यही बस मैं पब्लिक को जो है वो मैसेज देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। स्टूडियो में खुश आमदीद। एक टाइम होता था कि कुछ लोगों के कुछ आइडियल होते थे, कुछ लोगों को पसंद होता था। अच्छा, वो लव स्टोरी वाले नहीं जिनकी तस्वीरें आप छुपके किताबों में भी रखते थे, ऐसे आइडियल नहीं, बल्कि वो वाले आइडियल होते थे लोग जिनको बहुत ज़्यादा देखते थे। वो शायर भी होते थे, वो टीचर भी होते थे, वो कोई अदाकार भी हो सकता है। मतलब लोगों ने किसी ना किसी को अपना आइडियल बनाया होता था, जिसको आप देखते थे, जिसको आप सुनते थे, जिसको आप फॉलो करते थे, जिसकी बातें आपको बहुत पसंद आती थी, तो आप वो लिख भी लेते थे। पहले लोग बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा सिलसिला कम नज़र आ रहा है। एक आइडियल होता क्या है, वो आपकी ज़िंदगी में रोल क्या रखता है, वो किस तरह से आपको एक ट्रैक मेरे ख्याल से दे देता है जिसको आप फॉलो करते जाते हैं। अब ये आइडियल कुछ पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। हमने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे नौजवानों को बहुत ख़राब चीज़ों को आइडियलाइज करके देखा कि वो तबाही के रास्ते पर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हमने ऐसा देखा कि मनुष्यात के आदि हो गए। किसी को सिगरेट पीते हुए देखा तो बड़ा लगा कि जी अच्छा, ये तो बड़ा स्टाइल होता है, सो आप उसको फॉलो करने लगे तो आप तबाही के रास्ते पर चले गए। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग बचपन से अपनी टीचर को बड़ा अपना आइडियल बना रहे होते हैं। घर में उसी तरह से आपकी गुफ्तगू का सिलसिला होता है, बात करने का स्टाइल आपका वो होता जाता है, बड़े आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग ही कपड़े शपड़े पहनते हैं। स्विगी वाले आइडियल की बात हो गई, ये आइडियल आपकी ज़िंदगी में क्या रोल रखता है। कुछ लोगों के आइडियल उनके पेरेंट्स होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बने। सो ये आइडियल आपकी ज़िंदगी में अहमियत कितनी रखता है, क्या रोल होता है इसका, आपकी ज़िंदगी की कामयाबी में इनका क्या किरदार होता है, और क्या वाकई बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है कि लोग किसी को आइडियल बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि मैं तो खुद ही परफेक्ट हूँ, मैं तो खुद ही बेस्ट हूँ, मेरे अंदर जो है वो किसी के अंदर नहीं है। सो ऐसे में ये चीज़ अब जो कम होती चली जा रही है, ये फ़ायदा है या नुकसान है। हमारे साथ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट मलीहा समी मौजूद है, उनसे इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। ये आइडियल कौन होता है? आइडियल देखें, वो होता है वो इंसान, वो शख्स या सर्टनली वो शख्सियत जो आपको इंस्पायर करती है, जिससे आप मुतासर होते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनके लाइफस्टाइल से आप मुतासर हैं, आप उनके नॉलेज से मुतासर हैं, आप उनके एटीट्यूड बिहेवियर से मुतासर हैं, आप उनकी फेम से मुतासर हैं, शोहरत से मुतासर हैं, आप उनकी फील्ड से मुतासर हैं, वेयर यू फील कि मुझे ये आइडियल लगता है। तो ज़िंदगी में देखें बहुत सारे आइडियल्स होते हैं। आपको आइडियल लगता है ना, मतलब लेट्स सपोज कि आप किसी की फील्ड से मुतासर हैं, उसकी नहीं, फील्ड ही सिर्फ नहीं, उसका आपको पूरा लाइफस्टाइल आपको जो है वो एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि देखें उठना बैठना, आइडियल बनने का जो एक जर्नी है ना वो बहुत लंबा होता है। मतलब एक इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी बनते बनते किसी को 50 साल या 60 साल लग जाते हैं, और जब आप शुरू करें, अगर आप 12 ईयर से 14 ईयर से, तो लोग अपने आइडियल्स को फॉलो करते हैं। आज के दौर में जिन्हें हम इन अदर वर्ड्स इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, तो लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन आइडियल भी उसी से रिलेट करता है। ये आपको साइकोलॉजिकली अटैच करते हैं अपने साथ, आप इन जैसा बनना चाहते हो। और देखें, किसी को इस हद तक चाहना, इस हद तक उसको फॉलो करना कि आप वैसा बनना चाहो, दैट मींस कि वो पर्सनैलिटी आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट करेगी, फिर आपके वहमो गुमान पे तारी हो जाता है, वहमो गुमान पे, और उसका आपकी जिंदगी में रोल होगा, बिकॉज उसने जो सक्सेस या जो चीज अचीव की है आप वैसा बनना चाहते हो। डॉक्टर्स आइडियल बनते हैं, ठीक है, लॉयर्स आइडियल बनते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के लिए आइडियल्स हैं, फिल्म स्टार आइडियल्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होती हैं, बिजनेस टाइकून्स आइडियल होते हैं, ठीक है, बट डिफरेंट फील्ड के लोग डिफरेंट फील्ड के लोगों को सिलेक्ट करते हैं। बट उसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं है, मतलब ये है कि आप ज़रूर देखें, लेकिन आइडियल पॉजिटिव बनाएं। अगर आप पॉजिटिव शख्सियत बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आइडियल पॉजिटिव हो। आपने जिस शख्सियत को सिलेक्ट किया है
वो इतनी ज़्यादा फेमस भी हो या अचीवमेंट्स वाली हो, उसका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि उसने लोगों को हर्ट ना किया। ज़िंदगी में भी तो वो अच्छा तासुर छोड़े, ये बहुत ज़्यादा सर्टनली, क्योंकि देखें आपने उसको फॉलो करना है ना, तो आपने उसको जब फॉलोअर बनना है तो फॉलोअर के लिए लीडर बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर लीडर अच्छा नहीं है तो दैट मीन्स आपका रास्ता वैसा। लेकिन मलिहा आजकल हमें कुछ उल्टी गंगा नज़र आ रही है, हर कोई कहता है मैं खुद परफेक्ट हूँ, मैं दूसरों का आइडियल हो सकता हूँ, मैं क्यों किसी को फॉलो करूँ। हमारे नौजवान आजकल आपको हर कोई तो सोशल मीडिया पर खुद अपना टीचर भी नज़र आ रहा है, खुद लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाता भी नज़र आ रहा है, ऐसे में आपको नहीं लगता ये सिलसिला कम हो गया? बात आपने बिल्कुल सही की है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट भेजा जा रहा है और बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं बहुत सारे, लेकिन आप ये देखें उनके फॉलोअर्स कितने हैं। लोग आज भी इशफाक अहमद साहब को पढ़ते हैं, लोग आज भी पोइट्री जब खोलते हैं तो परवीन शाकिर को पढ़ा जाता है, अहमद फराज को पढ़ा जाता है, अमजद सलाम अमजद को पढ़ा जाता है। देखें हर फील्ड में आइडियल नहीं आप बन पाते, वो जो आइकॉन बनना है, जो ऐसी गाइडेंस दे जाना है जो लाइफ लॉन्ग रहे, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। आप 5 सेकंड की या 5 मिनट की वीडियो से वो मैसेज नहीं दे सकते जिस पे किसी ऑथर ने पूरी किताब लिखी है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। आज अगर आप बात कर रही हैं इन्फ्लुएंसर्स की या आइडियल्स की, तो वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाते हैं, आई थिंक 1 साल 2 साल 3 साल, और उनका जो फेम है ना वो नीचे आ जाता है। रीज़न ये होती है कि जंप तो आपको सक्सेस का बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन आप स्टे नहीं कर सके, आपने उसे मेंटेन नहीं किया, आप उसे सस्टेन नहीं कर सके। वाई? बिकॉज नॉलेज कम था, सर्टनली विजडम नहीं था, और थर्ड ये कि आपने 40 ईयर का जर्नी 10 ईयर में तय करने की कोशिश की। सो ये होता है, इम्पैक्ट आता है। आप बाज़ात कहते हैं ना फेलियर्स बार बार ज़िंदगी में क्यों आते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हीं फेलियर से आपने बड़ा इंसान बनना होता है। तो दिस इज़ द थिंग। और आजकल की जनरेशन को शॉर्टकट्स चाहिए, तो शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता। बड़ा इंसान बनने के लिए ये कहलवाना ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ या मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं। बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों को बड़ा बना दे और ख़ुद पीछे खड़ा हो जाए। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आपने लोगों को रास्ता दिखाया और ख़ुद आप उस रास्ते के एंडिंग पे खड़े हो, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ तक मैंने इसे लेके जाना है। बेस्ट आइडियल का चुनाव कैसे करना है, आप हमें थोड़ा सा ये गाइड करें। आइडियल देखें, सबसे पहले तो आपकी वैल्यूज़, आइडियल वो होते हैं जो आपकी वैल्यूज़ पर इफ़ेक्ट करें, जो आपकी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट करें। आप में किस चीज़ की कमी है, ये सब इंसानों को पता होता है। आपके अंदर की पर्सनैलिटी कैसी है, ट्रेट्स कौन से हैं, ठीक है, उन ट्रेट्स को डेवलप करने के लिए हमें आइडियल्स की ज़रूरत पड़ती है। आपके ऑफिस में काम करने वाले लीडर्स हैं, वो आपके आइडियल्स हो सकते हैं। आपको इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे आइडियल लोग मिल सकते हैं। पेरेंट्स आपके रोल मॉडल हैं, आइडियल्स हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स के कैरेक्टर को चिल्ड्रन फॉलो करते हैं। जितना अच्छा पेरेंट्स का कैरेक्टर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही अच्छी बच्चियों की जो है ना वो फॉलोअर बनेंगे। देन आपके टीचर्स, देन आपने ये देखना है कि आपकी शख्सियत में कमी क्या है। किसी में एंगर बहुत ज़्यादा होता है, किसी में पेशेंस नहीं होता, किसी में बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस है, मतलब जो नेगेटिविटी है ना उसको आप कम करते जाओगे तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है मेंटोर्स की, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आइडियल्स की। When we talk about this society, तो हमारी society में ideal उसे समझा जाता है जो कि materialistic, जो बेहद शान और शौकत वाले हों, जिनके पास materialism की दुनिया की हर चीज़ हो, जबकि हकीकी ideals वो नहीं होते। हकीकी ideals वो होते हैं और उनको सिलेक्ट करना चाहिए जो आपकी स्पिरिट को बदलें, जो आपकी रूह को चेंज करें, जो आपकी रूह में तब्दीलियां लाएं, बेशक, ठीक है, और नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी लाएं। अब ये हर इंसान की ना एक नेचर होती है, उसके घर का माहौल होता है ना, और फिर ये है कि उसको इर्द गिर्द का माहौल कितना सपोर्ट करता है। कोशिश तो हर इंसान यही करता है कि अच्छे से अच्छा करे, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे शॉर्टकट्स लेते हुए आप बर्बाद हो जाते हो। तो हमेशा कोशिश ये करें कि उस इंसान को फॉलो करें जो आपकी स्पिरिट में, रूह में तब्दीली लाए, आपकी आदत को बदले। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। अच्छा, मुझे लगता है ये आइडियल अगर आपकी ज़िंदगी को बना सकते हैं ना, तो यही आइडियल आपकी ज़िंदगी को तबाह भी करते हैं। बिल्कुल, यही बात मैंने इसलिए की है क्योंकि इसे बनाते वक्त बहुत सोचना चाहिए ना। लाइक हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स देते हैं, सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे प्रॉफिट की है, उसके बाद हमारे जितने औलिया कराम हैं, अम्बिया कराम हैं, ठीक है, मैं डेफिनेटली कोट करूँगी हज़रत यूसुफ़ की एग्जाम्पल। दुनिया में बहुत लोगों ने उनसे सीखा है कि पेशेंस जो है वो किस तरह से, हज़रत अयूब की एग्जाम्पल है, मतलब ये वो तमाम अम्बिया कराम हैं कि जिनकी वजह से ज़िंदगियाँ आज के दौर के लोग जो कि काफ़ी हज़ारों साल बाद के हैं, वो उनसे सीखते हैं। तो आइडियल्स वो होते हैं जो आपकी नेचर में बदलें और जो आपको सर्टनली ये सिखाएं कि ये नहीं करना।
और आप मिस्टर जिन्ना को देख लें, मैंने अपनी लाइफ में उनको बहुत पढ़ा है, उनसे बहुत सीखा है कि उन्होंने डिटर्मिनेशन दी है. फीमेल्स में अगर आप बात करें, आप बेनज़ीर को देखें, ठीक है, उसने बोल्डनेस दी है कि आपने अपने मिशन और विजन पे कायम रहना है फीमेल्स के लिए. दीज आर द पीपल हु आर आइकॉन्स, दीज आर द पीपल. आज की भी आप अगर आप उठा लें, आपको सर्टनली लोग मिलेंगे. मदर टेरेसा देखें, ईदी साहब देखें, हम इन लोगों को क्यों नहीं फॉलो करते? क्या उन्होंने ज़िंदगी में बेहतरीन काम नहीं किए? ये तो आपकी सोच है ना. और अगर आप बुरे आइडियल्स बनाएंगे, बुराई की तरफ जाएंगे, तो वो आपके बहुत टेम्पररी, अल्टीमेटली फिर आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो तबाही की तरफ जाती है. मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? मैं देखने वालों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी मटेरियलिस्टिक नीड्स पर ना जाएं. क्योंकि जब आपने इस दुनिया से जाना है तो लोगों ने आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं देखनी, लोगों ने सिर्फ ये देखना है आपके लोगों के साथ मामलात कैसे थे और आपको किसी ने किन अल्फाज में याद करना है. बिल्कुल, हाउ इफ़ यू आर ए गुड पर्सन यू विल बी रिमेंबर्ड, इफ़ यू आर ए मटेरियलिस्टिक पर्सन यू विल बी फॉरगेट इन सम डेज. बिल्कुल ऐसे ही है. और आपकी पूरी ज़िंदगी में यही एक बड़ी बात होती है कि आप चले भी जाएँ तो कोई आपको याद, हकीकत है ये तो दुनिया की सबने जाने, तो आप छोड़ के क्या जा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम के लिए. ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस. वेलकम बैक, सेगमेंट का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे आज के भाव. फातिमा है हमारी रिपोर्टर, ओपन मार्केट में है, आज की रेट लिस्ट उनके पास है. ओवर टू यू. इस वक्त मैं ओपन मार्केट में मौजूद हूँ. सब्जियों के दाम जो हैं आसमान से बातें कर रहे हैं. हर दिन हम देखते हैं कि सरकारी नखनामा जारी किया जाता है जिसमें सब्जियां या तो महंगी होती हैं या तो सस्ती होती हैं, लेकिन उनमें उतार चढ़ाव का सिलसिला जहां पे जारी रहता है वहां पे हम देखते हैं कि दुकानों में जो है गिरा फरोशी अरूज पर होती है. दुकानदार मनमानी कीमतों में फ़रोख करते हैं, चाहे सब्जियां सरकारी नखनामे में कम दाम जो है वो जारी की जाए या दुगने दाम जारी की जाए. आज की रेट लिस्ट सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद गिले शिकवों की बातें करते हैं, ख़रीदार क्या कहते हैं उस हवाले से. सबसे पहले आलू दर्जा अव्वल की बात करें, 75 रुपये मुकर्रर किया गया है लेकिन 95 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है. आलू दर्जा दोम सरकारी नखनामे में 65 रुपये की बजाय 90 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है. प्याज दर्जा अव्वल 90 रुपये मुकर्रर किया गया लेकिन बाजार 140 रुपये फरोख्त किया जा रहा है. टमाटर की सरकारी कीमत 38 रुपये फी मुकर्रर की गई लेकिन ओपन मार्केट में 45 रुपये इजाफे के साथ 85 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है. अदरक की सरकारी नखनामे में कीमत 565 रुपये मुकर्रर की गई लेकिन ये बाजार में 705 और कहीं 800 तक फरोख्त किया जा रहा है. यानी कि ये वो सब्जियां जो मसाला जात के तौर पर हर दिन और दिन में काफी बार इस्तेमाल होती हैं, हर घर में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनकी कीमतें भी जो हैं आपको जैसी शेयर की कि सरकारी नखनामे में भी काफ़ी दुगनी है. मज़ीद सब्जियों की बात करें, मटर की सरकारी कीमत 220. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.